पिक्चर का नाम है डोकेला शॉट। था डोकेला हाथ फेरा जाए। आज अभी इसी के लिए तो आए हैं। इधर नहीं, हमारा म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक हमारे साथी का है, श्रीकांत और अनीता, उन दोनों पति पत्नी हैं, बहुत ही गजब टैलेंटेड हैं, और हमने गाया है। एक सरप्राइज आपको इसमें मिलने वाला है। किस तरह का होगा वो जो सरप्राइज? हम क्यों बताएं? अब सरप्राइज अगर ये बता दें किस तरह का होगा तो फिर क्या, जब रात है ऐसी मतवाली तो फिर सुबह का आलम क्या होगा। एक्सपीरियंस कैसा था मराठी मूवी में गाने का, हिंदी मूवी में? क्योंकि पहले बहुत गाए हैं, वैसे तो ये हमारा लगभग 20वां गाना होगा मराठी में भी। हमने 25 भाषाओं में गा लिया है, और अभी भी हम तमिल सॉन्ग गा के आए हैं इलैया राजा सर के लिए। अभी बस फ्लाइट से उतरे और गाड़ी में ही ये कुर्ता और ये पहना है, नहीं तो कुछ हुडी वुडी पहना हुआ था, तो गाड़िया में तैयार हुए हैं, ये हुआ। इन दिनों बहुत सारे लोग आपको खोज रहे हैं, बातें ये मीटू के दौरान आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया। इवन सोना महापात्रा ने सामने आई और कहे कि वो आपके ऊपर कंप्लेन तो नहीं करेंगी लेकिन आपकी थिंकिंग को बढ़ावा भी नहीं देंगे, कि जो ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बताया। तो आप ये कितना मानते हैं, कितना सही है उन्होंने जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये कितना सही है? नहीं, ये तो देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है इस पृथ्वी पर। इल्ज़ाम पर्टिकुलर नाम लेके लगाना इट डिपेंड्स जी, वो तो निर्भर करता है ना। अब मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूं, ऐसे बार बार नाम लेके ही लगाऊं, इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। यदि हम कानून के साथ चलें तब अलग बात होती है। अगर मैं कहूं मैं कंप्लेन आपकी नहीं करूं, वो फिर भी मैं शिकायत करूं, वो तो फिर इसका मतलब शायद वो ऑथेंटिक शिकायत नहीं है ना। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है वो फिर गलत है ना। आपका कहने का मतलब कि वो गलत है? नहीं, हमको मैं गलत और सही का मैं फैसला करूंगा ही नहीं। ना मैंने इल्ज़ाम लगाया है और ना मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रहा हूं जी। तो हम तो सिंपल लोग हैं ना, अपना म्यूज़िक करते हैं, तो ये वाला है चक्कर, है ना। 2019 में क्या कुछ और धमाकेदार? बस हम लोग अब हम लोग लगे हुए हैं, कैलाशा के लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं पूरे इंडिया में और विश्व में, और इसके साथ साथ हम लोग अपनी नई एल्बम पर वर्क कर रहे हैं। नई एल्बम का टाइटल है थम जा, यानी ठहर जा, थम जा वगरना दम थम जावे, ऐसा मिलावा कौन मिलावे। आइए जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच। सिंगल सिंगल यस सर, तुम्ही बॉस। मोबाइल खाली डिजिटल मीडिया पहले हिंदी प्रश्न संपूर्ण मराठी का जी। अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे?
डोकेला शॉट एक मराठी फिल्म है. मैंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ प्रोड्यूसर मराठी में मुंबई फिल्म कंपनी की शुरुआत बालक और येलो बालक पालक और येलो फिल्म से की थी. और ये दोनों फिल्में मैंने उत्तुंग ठाकुर के साथ प्रोड्यूस की थी. आज उनकी ये तीसरी फिल्म है डोकेला शॉट जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की है और लोगों के सामने लेके आ रहे हैं. ये फिल्म मैंने देखी हुई है इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म बहुत ही फनी है और दोस्तों की कहानी है. दोस्ती के बारे में दोस्ती और शादी जब इकट्ठा आती है तो किस तरह दोस्त एक शादी जो होने जा रही है उसे संभालने में जुड़ जाते हैं. और आई थिंक इट्स अ वेरी फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ओके, बालक पालक की बात करें कि उसके बाद से एक मराठी का मूवी की इंडस्ट्री के बहुत लेवल बढ़ गई है. सो कितना प्राउड फील करते हैं क्योंकि आप वो मूवी से एसोसिएटेड हैं? नहीं, आई थिंक बालक पालक मूवी के साथ एसोसिएशन इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरी रोहतंग की पहली फिल्म थी और लोगों ने बहुत सराही थी. एक सेंसिटिव टॉपिक था उसका जहाँ पर आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हो, एक जो बच्चे हैं उनके सेक्सुअल अवेयरनेस की बात कर रहे हो, किस तरह एक कॉन्वर्जेशन होना चाहिए माता पिता और बच्चों में, उसकी बात वो फिल्म करता है. फिर हम दोनों ने येलो बनाई जो एक स्पेशल चाइल्ड पर आधारित थी जिसकी वजह से हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिला था. और ऑब्वियसली ये दोनों फिल्में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ज़िंदगी में. और जहाँ तक मराठी फिल्मों की हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर, आई थिंक कि ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन सभी लोगों का योगदान है जिन्होंने कॉन्शियसली ये तय किया था कि अच्छा कॉन्टेंट और एंटरटेनिंग कॉन्टेंट हम लोगों को लेकर आए. एंड आई थिंक एवरी प्रोडक्शन हाउस, एवरी एक्टर इसीलिए काम करता है इंडस्ट्री में कि कुछ तो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स मेकिंग द इंडस्ट्री बेटर एंड एंटरटेनिंग द ऑडियंस. आपकी फिल्म टोटल धमाल का भी ट्रेलर आ चुका है. हमने ट्रेलर के मौके पर हमने आपको मिस किया जी. कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन है, आप हैं, माधुरी दीक्षित जी हैं, अरशद वारसी हैं, तो कुछ अगर आप बता सके ये कैसा रहा ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही फनी है. और क्या है कि धमाल ये एक मेरी मुझे 13 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से. दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके धमाल और डबल धमाल. जब टोटल धमाल की बात आती है तो ऑब्वियसली इंद्र कुमार के साथ, इंदु जी के साथ ये मेरी छठी फिल्म है अशोक जी इंदु जी के साथ. और धमाल ये थर्ड पार्ट है. आई एम सो हैप्पी कि अजय के साथ फिर से काम करने का मौका मिल रहा है. मस्ती में मैंने काम किया था उनके साथ, कैश में किया था और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उनके साथ. हमेशा जब भी मैं काम करता मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अनिल कपूर जी और माधुरी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन दोनों के साथ काम करने की इच्छा थी मेरी. पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों के साथ एक ही फिल्म काम करने का जो मौका मिला है, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग. एंड इसके अलावा जो आपका लुक है, हमेशा माने कि भारत का जासूस है जो आपकी अपकमिंग. भारत का जासूस मतलब मरजावा भी कर रहे हैं आप? हाँ, मरजावा में करें. ये भारत का जासूस क्या है? ऐसे, मतलब कुछ ऐसे हमने देखा सलमान का जासूस नहीं. तो क्या उसका लुक है ये मरजावा? हाँ, मरजावा में. यस, ये मरजावा का लुक है. थोड़ा और चेंज है पर है. ओके सर, मरजावा में आप ड्राफ का रोल प्ले कर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है ड्राफ का. और रिसेंटली अभी जीरो मूवी में भी शाहरुख किया और आपने उसने बहुत प्रेस किया था वो रोल को. सो क्या हम कह सकते हैं बहुत कंपेरिजन होगा आपके रोल को और उनका? क्या है, अभी मैं अभी शूट कर रहा हूँ और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है किस तरह उसको मैं प्ले कर रहा हूँ या किस तरह डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं प्ले करूँ. और एक ही बात एक्साइटिंग है कि एक विलन के बाद मैं फिर से एक विलन की भूमिका में कर रहा हूँ और नेगेटिव शेड रूथलेस है थोड़ा सा, वो कद में छोटा है और पर कारनामों में बड़ा है. मला असं वाटतं की डोक्याला शॉट या चित्रपटामध्ये जसं आपण प्रोमोमध्ये सुद्धा पाहिलंय की एका मुलाचं लग्न होणार असतं आणि तो क्रिकेट खेळता खेळता त्याच्या डोक्याला थोडी मारहाण होते आणि त्याच्यामुळे त्याची जी टेम्पररी मेमरी आहे ती लॉस होते आणि त्याचं लग्न लगेच असतं.
तर आता मित्रांनी ठरवायचं किंवा त्याचं लग्न लग्नासाठी काय केलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जो विनोद निर्माण होतो की बाबा चार मित्रांची जी गोष्ट आहे त्यांची जी केमिस्ट्री आहे आणि कोणाचं लग्न त्याचंच लग्न असतं पण ते सांगतात नाही तुझं नाही तुझ्या मित्राचं लग्न आहे आणि ह्या कन्फ्युजनमध्ये ते कसं तो ते पार पाडणार आहेत ती एक म्हणजे काय म्हणतो आपल्याला एक रेस आहे आणि ती रेस खरंच पाहायला मला तरी प्रचंड मजा आली. मला असं वाटतं की प्रेक्षकांना पण ते फार आवडेल. असा एक समज आहे की मुलांसाठी म्हणजे आपले मित्र आणि गर्लफ्रेंड ह्या दोघांचा ताळमेळ मिळवणं हे खूप कठीण असतं. म्हणजे दोघांचं जमत नाही असं. म्हणजे गर्लफ्रेंड सांगते मित्रांबरोबर जास्त राहू नको किंवा काय काय वेळेला मित्रांना असं वाटतं की गर्लफ्रेंड खूप इंटरफेअर करते वगैरे. तर असं तुमच्या रिअल लाईफमध्ये असं कधी होतं का? नाही नाही असं होत नाही. कारण काय मी माझी सर्वात चांगली फ्रेंड किंवा मैत्रीण होती तिच्यावरच लग्न केलं म्हणून तो तसा प्रकार किंवा प्रयोग माझ्या घरात होत नाही. रितेशजी एक आखरी सवाल ये की हमने देखा ट्विटर के माध्यम से आपने प्रियंका गांधी जी को विश किया. उन्हें लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं. आप मानते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है बीजेपी एंड कांग्रेस में क्योंकि आपके डैडी भी तो बहुत पॉलिटिकल हो गए आज क्योंकि आपने विश किया तो अकेला शॉट दे दूं माया तो आज अगर आप कुछ बता सके क्योंकि आपका हमने ट्विटर देखा है प्रियंका गांधी जी को आपने विश किया आपने अंदाज में तो जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है आप मानते हैं कि टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है कांग्रेस एंड बीजेपी में? आई थिंक आने दो इलेक्शन देखते क्या हो रहा है. आई थिंक इट्स एन ओपन फील्ड और मुझे लगता है कि सभी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और बस उतना ही काफ़ी है. थैंक यू.